हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। चाहे आप एक स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, या एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या पीएचडी कर रहे हो, अब आधार कार्ड की तर्ज पर ही अब इंडिया में एक राष्ट्र एक छात्र योजना जो है आने वाली है, उसके लिए एक आईडी का बनाना होगा और वो आईडी जो है बहुत अनिवार्य होगी। अदरवाइज़ आप इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जो है आपको समस्याएं आ सकती, क्योंकि इस आईडी में आपसे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे लिखा हुआ है, यूनिक APAR आईडी हर छात्र की होगी, 12 नंबर की आईडी होगी, प्ले से पीएचडी तक करेगी काम, एक राष्ट्र एक छात्र योजना की पहल। तो आइए जानते हैं पूरी न्यूज़। एक राष्ट्र एक छात्र के तहत अब हर छात्र की विशिष्ट पहचान 12 अंक की आईडी होगी। जैसे हमारे आधार कार्ड होते, उस तरह से हमारी एज ए स्टूडेंट हमारी एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी, जो उसकी बाल वाटिका से पीएचडी की पढ़ाई और नौकरी पाने तक मददगार होगी। बाल वाटिका मतलब जब वो पीजी में एडमिशन लेता है और जब वो नौकरी करता रहता है इस पूरे टाइम में, मतलब अगर 3 साल की एज मान ली जाए कि वो पीजी में एडमिशन ले रहा है और 22-23 के एज में वो ग्रेजुएशन कर रहा है, और इस बीच उसने क्या कोर्सेज किए, कब पढ़ाई की, किस ईयर में की, क्या उसका डिवीज़न है, क्या कोर्स है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस यूनिक आईडी के माध्यम से आप ऑल इंडिया कहीं भी रहे, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी हो, कोई कोर्स कर रहे हो, उससे संबंधित सारी जानकारी इस यूनिक आईडी में सेव रहेगी। आधार की तर्ज पर काम करने वाली आईडी को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAR का नाम दिया गया है, जो 2024-25 से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा से जुड़े 4.50 करोड़ छात्रों से 2.50 करोड़ की APAR प्रदान कर दिया। शेष छात्रों के लिए APAR का निर्माण जारी है। स्कूल छात्रों की यूनिक आईडी बनाने के लिए राज्यों से जानकारियां जो है जुटाई जा रही हैं। योजना लागू होने पर स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा तक छात्र देश में कहीं भी जाकर अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। फिलहाल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से लेकर अन्य जटिलताओं के कारण इस प्रक्रिया माइग्रेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पीजी से जैसे ही छात्र दाखिला लेगा, उसकी एक आईडी बन जाएगी, और जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे तो इस आईडी को मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आप इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे जॉब के लिए जा रहे हों या पढ़ने जा रहे हों, जैसे ही आप ये एक 12 नंबर की आईडी अपनी डेटा में डालेंगे, वैसे ही आपसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो जो है वो ओपन हो जाएगी, और आपसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सामने वाले को पता हो जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है। डिजी लॉकर और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से जुड़ेगी यह आईडी। डिजी लॉकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से भी जुड़ रही है। जैसे कि आपको पता है कि हायर स्टडीज़ में डिजी लॉकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का होना ज़रूरी है, जिसमें उस स्टूडेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ऐड होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर स्टूडेंट कहीं जा रहा है और कभी कभी ऑफलाइन मोड से हमारे जितने भी सर्टिफिकेट खो जाते हैं, चुरा ले जाते हैं, तो उन सब का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये आईडी जो है वो एकेडमिक बैंक और आपके डिजी लॉकर से भी ऐड कर दी जाएगी। ये आईडी क्रिएट करना सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इससे छात्र की शैक्षणिक योग्यता सर्टिफिकेट की जांच हो जाएगी। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का कहना है कि विद्यार्थी का सत्यापन आसान हो जाएगा। फर्जीवाड़े पर लगेगा अंकुश। इस आईडी से बोर्ड परीक्षा JEE, नीट, CUET, UG समेत अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिता परीक्षा, दाखिला, छात्रवृत्ति से लेकर नौकरी तक के अभ्यर्थी का सत्यापन होगा। यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे भी ट्रैक करना आसान हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा में कोई भी छात्र किसी अन्य जगह परीक्षा नहीं दे पाएगा। सर्टिफिकेट व डिग्री के फर्जीवाड़े से निवारण मिलेगी। तो फाइनली आने वाले सत्र में 2024-25 में 12 नंबर की जो है एक यूनिक आईडी हर पर्सन को क्रिएट करना ज़रूरी हो जाएगा। ये यूनिक आईडी पीजी से लेकर के आपके पीएचडी कोर्सेस, आपकी जॉब, आपकी पढ़ाई, सबके लिए जो है पूरी तरह से एलिजिबल होगी, और इसके माध्यम से आप इंडिया में कहीं भी जा कर के जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। इससे संबंधित और जितनी जानकारी है आपको चैनल के माध्यम से पता चलती रहेगी। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू very much।